दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर करें। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको मॉड्यूलर किचन दिखाऊंगा। ये पूरी किचन हैंडल लेस है और इसमें इनोटेक चैनल लगे हुए हैं। यहां से आप सेकंड ड्रॉर खोल सकते हैं और नीचे वाला ड्रॉर आप इस तरीके से खोल सकते हैं। नीचे के ड्रॉर में 8 इंची की इनोटेक चैनल लगी हुई है और बीच के ड्रॉअर में 4 इंच की चैनल लगी हुई है और ऊपर के ड्रॉअर में भी 4 इंची की इनोटेक चैनल लगी हुई है। ये तीनों ड्रॉअर आप देख सकते हैं, इनके अंदर इनलेट भी लगा सकते हैं। इनोटेक के इनलेट अलग से आते हैं जो कि हमें हार्डवेयर शॉप से ख़रीदने होते हैं। ये अगली ड्रॉअर ग्रीन ट्रॉली की है। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर हैंडल के बारे में समझा देता हूँ। ये आप ऊपर की ड्रॉअर खोलेंगे, यहाँ से आप नीचे की ड्रॉअर खोलेंगे। ये ऊपर की ड्रॉअर खोलने के लिए और सबसे ऊपर की इस तरीके से आप ड्रॉअर खोलेंगे। मार्बल टॉप की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मार्बल टॉप आएगा और यहाँ पर ये स्पेस ड्रॉअर खोलने के लिए। नीचे वाली ड्रॉअर की मैं डिटेल आपको समझा चुका हूँ। यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से आप दोनों ड्रॉअर खोल सकते हैं। इसके बाद ये ग्रैंड ट्रॉली की बास्केट है और जस्ट इसके बाद में ये कॉर्नर का डोर है। इसके अंदर क्राउजल न देकर ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन स्टोरेज कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला डोर और ये दूसरा डोर, यहाँ पर पूरा बड़ा स्पेस दिया गया है जिसमें आपको हम यहाँ पर सेंटर में एक सेल्फ डाल के देंगे यहाँ से यहाँ तक, और आप इसके अंदर भी बर्तन स्टोरेज कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आप डस्टबिन या डिटर्जेंट के लिए बास्केट आती हैं, इसमें भी आप वो लगा सकते हैं। और यहाँ ऊपर की साइड ये पॉइंट दिए गए हैं पानी के लिए और यहाँ पर सिंक कट जाएगा। और ये लास्ट में भी एक डोर, इसके बाद ये किचन नीचे से कंप्लीट होती है। इसके बाद में ये ऊपर की साइड में सिंगल डोर और यहाँ पर इसके बाद ये डबल डोर है। ये स्पेस GT PT के लिए दिया गया है। नीचे की साइड में बर्तन धोकर ऊपर की साइड में रखेंगे, यहाँ पर नीचे पानी गिरने के चांसेस होते हैं, इसीलिए सिंक के ऊपर GT PT लगाया जाता है। यहाँ पर सिंगल डोर का स्पेस दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर माइक्रोवेव रख सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक पॉइंट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल डोर है। इस बॉक्स के अंदर हम एक सेल्फ डाल देंगे जिससे आपको छोटा सामान रखने में आसानी हो सके। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4 इंची के सेल्फ दिए हुए हैं जिसमें आप छोटे डिब्बे यहाँ पर बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इसके पीछे की साइड यहाँ पर पिलर था, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 इंची के ये सेल्फ बनाए हैं। यहाँ पर भी सिंगल डोर, इस बॉक्स में भी एक सेल्फ डाल दिया जाएगा। यहाँ पर ये चिमनी का स्पेस और ऊपर की साइड में ये चिमनी के वायर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर चिमनी लग जाएगी। और चिमनी की साइड में यहाँ पर भी सिंगल डोर, इस बॉक्स के अंदर भी यहाँ पर एक सेल्फ डाल दिया जाएगा। इसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा स्पेस बचा है, यहाँ पर भी एक छोटा डोर दे दिया गया। दोस्तों वीडियो का छोटा सा पार्ट बाकी है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वेलकम बैक। ये मॉड्यूलर किचन की स्कर्टिंग है। ये एल्युमिनियम मटेरियल से बनी हुई है और इसके ऊपर ये कवरिंग लगी हुई है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ज़्यादातर ये स्कर्टिंग मॉड्यूलर किचन में यूज होती है। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो के अंदर क्या कमी रही। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।